नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपके लिए MSc फाइनल ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स का गेस्ट पेपर लेके आए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% इसमें से प्रश्न आने वाले हैं, तो ध्यान से करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेन द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स यूजिंग न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्केटरिंग एट लो एनर्जी एंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेबलाइज। हाउ न्यूक्लियर फोर्स इज पिन डिपेंडेंट। नंबर बी की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर की, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द बन बोसोन एक्सचेंज पोटेंशियल OBEP, बन बोसोन एक्सचेंज पोटेंशियल। अथवा में करके ऐसा भी आ सकता है, यदि बी वाला ऐसा नहीं आएगा तो ऐसा आ सकता है कि बन न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन द टोटल क्रॉस सेक्शन ऑफ स्केटरिंग ऑफ स्लो न्यूट्रॉन बाई प्रोटोन। सिग्मा पी इक्वल्स टू पाई 3A0T² प्लस A0S² सिंगलेट और ट्रिपलेट के लिए, ठीक है। ये अपने पास ऐसे फॉर्मूले पर रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आ सकता है या ऐसा आ सकता है, और ये वाला तो अपने पास आएगा ही, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अपने को बन के आएगा। तो आगे हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, जो कि ड्यूट्रॉन से रिलेटेड यूनिट है जो आपकी उससे है। राइट डाउन एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्यूट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, एज्यूमिंग दैट द सेंट्रल फोर्स इन द ड्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड वाई स्क्वायर वेल पोटेंशियल ऑफ डेप्थ बी नॉट एंड रेंज आर। ऑब्टेन द डेप्थ ऑफ द पोटेंशियल व्हेन द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज 2 फर्मी। आल्सो प्लॉट द वेव फंक्शन फॉर ड्यूट्रॉन। इसके लिए अपने को क्या करना है, हाँ, रेंज डेप्थ रिलेशनशिप रिलेशन अपने को यहाँ पे निकालना है, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ड्यूट्रॉन, मैग्नेटिक मूवमेंट जो ड्यूट्रॉन का होता है वो अपने को ज्ञात करना है ऑप्शन नंबर बी में। ये अपने पास एक ड्यूट्रॉन की यूनिट से कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, तो नंबर थर्ड अपना सेल मॉडल से आएगा कि स्टेट द बेसिस ऑन विच सेल मॉडल वाज प्रपोज्ड। ये आपकी मतलब सेक्शन बी से रिलेटेड है, ठीक है। स्टेट द बेसिस ऑन विच सेल मॉडल वाज प्रपोज्ड। और नंबर बी की हम बात करें, तो एक्सप्लेन द मैजिक नंबर यूजिंग द सिंगल पार्टिकल सेल मॉडल फॉर स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल। आगे क्या है, आगे है इसमें इंक्लूडिंग स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, मतलब स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से जो रिलेटेड है सिंगल पार्टिकल सेल मॉडल को अपने को यहाँ पे अप्लाई करना है। और ये अपने को मैजिक नंबर कितने प्राप्त होते हैं, 28 जितने भी अपने को प्राप्त होते हैं वो अपने को बताने हैं। ऑप्शन नंबर सी पर चलते हैं, स्पिन एंड पैरिटी रिलेटेड वन न्यूमेरिकल क्वेश्चन। मतलब स्पिन और पैरिटी या मैग्नेटिक मोमेंट या क्वाड्रपल मोमेंट जो भी होते हैं सेल मॉडल में, वो अपने को यहाँ पे उससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आ जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट देखिए, 100% ये आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द सेलेंट फीचर्स ऑफ फर्मीज थ्योरी ऑफ बीटा डिके, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन ऑफ द बीटा डिके रेट, आल्सो प्लॉट द फर्मी क्यूरी प्लॉट, एक्सप्लेन यूटिलिटी। अपने को सबसे पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं फर्मीज की थ्योरी की, जो कि बीटा डिके के लिए अप्लाई होती हैं, वो अपने को बतानी है, और एक एक्सप्रेशन करना है अपने को फर्मी क्यूरी प्लॉट का, ठीक है। उसके बाद नंबर बी में है, एक्सप्लेन द राइट शॉर्ट नोट्स अबाउट फर्मी एंड गेमो टेलर ट्रांजिशन वाई गिवन सूटेबल एग्जाम्पल। एक सूटेबल एग्जाम्पल देना, और फर्मी और गेमो टेलर जो ट्रांजिशन है संक्रमण है वो अपने को बताने हैं, ठीक है। उसके बाद ये अथवा में करके, यदि ये वाला क्वेश्चन ऐसे आपको यदि देखने को नहीं मिलेगा तो ये तो मिलना ही है, ठीक है। ऐसा भी अपने को मिल सकता है कि एक्सप्लेन पैरिटी वॉयलेशन इन वीक इंट्रैक्शन, वीक इंट्रैक्शन की जगह यहाँ पे इन बीटा देखिए भी आ सकता है, और गिव एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ पैरिटी वॉयलेशन एंड भूज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यहाँ पे यदि बीटा डिके आ जाए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, यही जो क्वेश्चन है वही बार बार बल्द की लैंग्वेज चेंज कर देगा, पर अपने को ये जो क्वेश्चन का आंसर है वही करना है, ठीक है। उसके बाद नंबर बी पे देखते हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ FTR वैल्यूज व्हाट यूज इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ FT, ठीक है। तो FTR की वैल्यूज है वो अपने को यहाँ पे अप्लाई करनी है, और इससे रिलेटेड जो कि शॉर्ट नोट्स हैं वो अपने को बताने हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बायस्कोप एस्टिमेट एंड सिलेक्शन रूल फॉर मल्टीपल रेडिएशन। मल्टीपल रेडिएशन के लिए अपने को क्या बताएं, बायस्कोप एस्टिमेट एंड सिलेक्शन रूल्स। पहला नंबर बी में हमने पास 0 से 0 ट्रांजिशन, जो कि किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा या इंटरनल कन्वर्जन के द्वारा, ये अपने को बताना है। उसके बाद नंबर सी पे चलते हैं, तो बी का मतलब यहाँ पे मैंने ऐसे नहीं आएगा, ये वेक्टर एक्सियल लिखा नहीं आएगा, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, बी का मतलब वेक्टर, ए का मतलब एक्सियल, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटरेक्शन एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। आगे हम चलते हैं, आगे आपके 5 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन मैंने 2 क्वेश्चन अलग से एक्स्ट्रा बताए हैं, जिससे कि आपको यदि कोई बच्चा अच्छा है पढ़ने वाला है तो वो 2 क्वेश्चन और करके जाए, जिससे कि आपका
कंप्लीट यहाँ पे पूरा देखने को आपको मिल जाए। और आप अपने कोविड 19 में जैसे 3 प्रश्न आपको करने होते हैं तो वो 3 प्रश्न आप कर सकें। 2 इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। नंबर 1 की हम बात करें कि व्हाट आर न्यूक्लियर डिफॉर्मेशन, हाउ डज यू लीड टू द कलेक्टिव बिहेवियर एंड गिव अकाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई। उसके बाद नंबर 2 पे हम चलते हैं, तो व्हाट आर रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ इवन न्यूक्लियाई, व्हाट इंफॉर्मेशन डू दे यील्ड ओए द न्यूक्लियाई, इलस्ट्रेट योर आंसर विद ए सूटेबल एग्जांपल। ठीक है, व्याख्या करनी है अपने एक एग्जांपल देके जो कि अच्छा लगे आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अलग से एक और ये सेकंड वाला, ड्राइव बेते ब्लॉक फार्मूला या रिलेशन फॉर एनर्जी लॉस ऑफ ए चार्ज पार्टिकल माइनस डी अपन डी टी जो होती है वो अपने को करनी है। व्हेन इट पासेस थ्रू मैटर एंड डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस टर्म, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई स्ट्रगलिंग, स्ट्रगलिंग बतानी है और एक्सप्लेन करनी है ब्रीफली। ठीक है, और वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन, मतलब ये जो अपने पास यहाँ पे स्टॉपिंग पावर का जो रिलेशन है वो है माइनस डी अपन डी एक्स के स्क्वायर 4 पाई e² अपन एम बराबर हो जाएगा जेड स्क्वायर एन एम अपन 2e। यदि आपको ये वाले सभी प्रश्न मेरे अच्छे लगे हों और ये एग्जाम में तो आएंगे ही, ये मैं दावे के साथ आपको 100% कह सकता हूँ कि पेपर फंसने वाला है कम्प्लीटली, तो इसको आप करके जाएं। ये सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक एक्स्ट्रा बूस्टर है ये आपके लिए। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग #physicsyvksir। धन्यवाद। मैं अगली वीडियो आपको एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का पेपर लेके आऊँगा, उसके बाद आपका लास्ट माइक्रोवेव का हो जाएगा कम्प्लीट, आपके चारों पेपर सूटेबल हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।